हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए एक ही बहुत ही खूबसूरत सा ये मैक्रम का ये बास्केट सीट चूड़ी स्टैंड लेके आई हूँ। ये देखिए, इस तरीके से ये कॉस्मेटिक आइटम रखने के लिए इस तरीके का ये बास्केट सेट है, और इसमें हम चूड़ी स्टैंड रखेंगे। इसको बनाने के लिए हमने ये टू कलर के कॉर्ड लिए हैं, रेड और क्रीम में। आप अपने चॉइस अनुसार दो कलर कोई भी यूज कर सकते हैं। 10 इंच के दो रिंग लिए हैं, तरीके ये देखिए 10 इंच का, और ये एक 1 इंच का रिंग लिया है। ये 36 पीस बीड्स लिए हैं, ये देखिए तरीके का, और इस तरीके लिए चूड़ी होल्ड करने के लिए यहाँ पर मैंने इस तरह के ये डांडिया स्टिक, 4 डांडिया स्टिक लिए हैं, और लाइटर और सीजर। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये क्रीम कलर के 4 कॉर्ड 2 4 मीटर में कट किए हैं। ये देखिए, मैंने 4 मीटर के 4 कॉर्ड कट किए हैं, और रेड कलर के मैंने 1.5 मीटर के 16 कॉर्ड कट किए हैं, और एक एक मीटर के मैंने एक्स्ट्रा कॉर्ड कट किए हैं। ये देखिए, ये जो मैंने 1 मीटर के एक्स्ट्रा कॉर्ड कट किए हैं, उससे मैं ये रिंग पे पाइपिंग करूंगी इस तरीके से। ये देखिए, तरीके से टाइट पकड़ेंगे और इस तरीके से हम पाइपिंग कर देंगे। कॉर्ड को हम पाइपिंग कर लेंगे। ये देखिए, तरीके से हम पूरे पे पाइपिंग कर लेंगे, यहाँ कट कर देंगे, और फिर इसको अच्छी तरह से स्टिक कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से स्टिक कर लेंगे। इसमें हम अब क्रीम कलर, ये देखिए क्रीम कलर के जो मैंने 4 मीटर के कॉर्ड कट किए हैं, इसको मैं तरीके से अटैच कर लेंगे। ये देखिए, फिर डालेंगे ऐसे। ये देखिए, इसको हम साइड से तरीके से कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तरीके से ये टू हम सेट किए हैं, और इसको जो है फिर से एक बार इस तरीके से डालकर पाइपिंग कर देंगे। एक ये इधर से, फिर इसको भी ये ऊपर से डालेंगे इस तरीके से हम। ये देखिए फ्रेंड्स, तरीके से हम
ये देखिए इस तरीके से बनाएंगे और हम सिंपल नॉट लगाएंगे। टाइट टाइट सिंपल नॉट इस तरीके से, ये देखिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 6 सिंपल नॉट लगाकर तैयार कर लिया है। 1 2 3 4 5 6 लगाकर तैयार कर लिया है। अब ये जो दोनों साइड वाले हैं, इस साइड के और इस साइड के, इसमें हम रेड कलर का, ये मैंने 1.5 मीटर में कट किया हुआ है, सिंगल 1.5 मीटर कॉर्ड, इसको हम अटैच करेंगे। इसको अटैच करने के लिए हम इस तरह से रखेंगे, से हम अटैच कर लेंगे और फिर इसको एक बार हम तरीके से पाइपिंग लगा देंगे। ये देखिए तरीके से इस साइड भी हम ये देखिए, अब फिर हम दूसरा अटैच करेंगे। हम यहाँ पे 2 कॉर्ड अटैच करने हैं। ये देखिए इस तरीके से हम टू कॉर्ड हम अटैच कर लेंगे और ये जो है इसमें हम बीट्स लगाएंगे। तरीके से ये देखिए बीट्स लगाएंगे और फिर हम इस पर कॉर्ड से पाइपिंग कर लेंगे, हल्के हाथों से पाइपिंग, इस तरीके से पाइपिंग कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड तरीके से हमने 4 कॉर्ड से पाइपिंग कर लिया है। फिर हम कॉर्ड को इस तरफ घुमाएंगे और फिर से पाइपिंग करेंगे। फिर हम इसमें एक मिर्च डालेंगे और फिर से हम सेम ये तरीके से हम पैपिंग कर लेंगे। देखिए तरीके से हम
ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हम पैपिंग कर लेंगे, फिर हम सेम वही दोहराएंगे, ये 4 बीट्स तक हम सेम उसी तरीके से पैपिंग करते जाएंगे और यहाँ पर 4 बीट्स लगाकर कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से पाइपिंग करते हुए यहाँ 4 बीट्स लगाकर कंप्लीट कर लिया है। अब इस साइड भी हम, ये जो इस साइड का ये है, इसमें भी हम इस तरीके से 2 कॉर्ड अटैच करेंगे और सेम इसी तरीके से हम इस साइड भी बनाएंगे। इसको थोड़ा टाइट करते हुए हम इस तरीके से अटैच कर लेंगे और इसमें हम फिर बिट्स डालकर पैपिंग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, तरीके से यहाँ पे हम बिट्स लगाकर इसको हम पैपिंग कर देंगे। सेम ऐसा ही इस साइड भी बनाकर हमको कंप्लीट करना है। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हम सेम इस साइड से इस तरीके से यहाँ भी बनाकर हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरफ भी यहाँ 4 बीट्स लगाकर इस तरह से पाइपिंग करते हुए बना लिया है। इस तरफ भी मैंने 4 बीट्स लगाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हमको क्या करना है, ये जो है इसको हम सिंपल नॉट लगा लेंगे। फिर से यहाँ पर हम सिंपल नॉट लगाएंगे। थोड़ा टाइट करते हुए हम यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर टाइट से यहाँ पर सिंपल नॉट लगा दिए हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर फिर से 6 सिंपल नॉट लगा लेंगे। तरीके से हम 6 सिंपल नॉट लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तरीके से मैंने यहाँ पर 6 सिंपल नॉट लगाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम ये जो है इसको फंसाने के लिए हम तरीके से जगह छोड़ेंगे, तो इसके लिए हम इस तरीके से ये रखेंगे और इसके ऊपर से हम इस तरीके से देखेंगे इसका। ये देखिए तरीके से लंबाई हम देख लेंगे और हम थोड़ा जिससे आसानी से ये इसमें आ जाए,
इस तरीके से हम ये देखिए यहाँ पे हम इसे देखेंगे और फिर इसको हम ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हम ये होल्ड करने के लिए बनाकर ये जो है फ्रेंड्स इसको हम ये देखिए मैंने यहाँ पर 1.5 मीटर के कट किए थे तो ये थोड़े ज़्यादा लंबे हो गए हैं, ये बर्बाद हो जाएंगे इसलिए आप थोड़े कम काटें। ये देखिए 1.5 मीटर में ये थोड़ा धागा इधर आ रहा है इसलिए हम इसको हम इस तरीके से कट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इसको हम तरफ से कर साइड से हम कट कर लिया है और इसको हम स्टिक कर देंगे पीछे की तरफ, हम अच्छी तरह से इसको हम चिपका देंगे। ये देखिए तरीके से हम इस साइड भी हम इस तरीके से ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने यहाँ पर खाने के लिए बना रखा है। ये देखिए इस तरीके से अब फिर से हम 6 नॉट लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर 6 नॉट लगाकर एक ये स्टिक फंसाया है और यहाँ पर मैंने 8 नॉट लगाए हैं, यहाँ पर मैंने 8 नॉट लगाए हैं। फिर हम स्टिक फंसाने के लिए हम फिर इस तरह का हम यहाँ बनाएंगे। यहाँ चूड़ी डालने के बाद यहाँ तक आता है इसलिए ऊपर तो नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ नीचे हम यहाँ 6 यहाँ 8 फिर यहाँ हम 6 लेंगे फिर हम 8 लेंगे, इस तरीके से हम बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 8 नॉट लगाए, यहाँ 6 और यहाँ पर 8 नॉट लगा रखे हैं। अब इस तरीके से हम स्टिक फंसाने का सेम वही तरीके से हम इस तरीके से यहाँ डालेंगे और इस तरीके से देखकर हम फिर से हम दूसरा बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स अगर मैंने यहाँ 4 मीटर के कट किए थे तो ये जो जिससे हम बनाते हैं उसमें थोड़ा घट भी सकता है, तो घटने के बाद इस अगर कम जाए धागा तो आप इस तरीके से कॉर्ड ले कट कर लें और इसको इस तरीके से रखें और लाइटर की मदद से आप दोनों को तरह से पिघला लें और इसको फिर डालकर तरीके से ज्वाइंट कर लें। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से ये ज्वाइंट हो जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 ये 4 स्टिक के लिए मैंने बना रखे हैं। आप अपनी पसंद अनुसार 2 स्टिक 3 स्टिक जितना स्टिक आपको डालने हैं उस अनुसार से आप बनाएं। ये देखिए यहाँ पे मैंने 6 नॉट लगाए थे, यहाँ पर 8 लगाए हैं, यहाँ पर 8 लगाए हैं, यहाँ पर भी 8 लगाए हैं, मैंने यहाँ पर 4 स्टिक के लिए बनाया हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर ये फर्स्ट फ्लावर बनाकर यहाँ से ये मैंने 4 स्टिक लगाने के लिए बना लिया है। अब ये लास्ट में यहाँ पर आने के बाद फिर हम सेम यही फ्लावर यहाँ पर बनाएंगे, सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर फ्लावर बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से सेम उसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ हमने फ्लावर बना लिया है उसी तरीके से हम यहाँ भी फ्लावर बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने दोनों तरफ यहाँ नीचे भी इस तरह का ये फ्लावर बनाकर कंप्लीट कर लिया है और यहाँ मैंने 6 नॉट लगाकर कंप्लीट कर लिया है, सिंपल 6 नॉट लगाकर कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए तरीके से ये 2 लाइनिंग में इस तरीके से ये देखिए यहाँ पर ये
अपने पसंद अनुसार मैंने यहाँ 4 स्टिक फंसाने के लिए बना रखा है। आप अपने अनुसार 2 3 जितना आपको पसंद आए उतना आप स्टिक लगाने के लिए बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके का, यहाँ फर्स्ट में जिस तरीके से हमने बनाया था सेम उसी तरीके से यहाँ लास्ट में भी हमने फ्लावर बना लिया है और यहाँ पर 6 नॉट लगा लिया है। अब हम इसको रिंग में अटैच करेंगे। ये देखिए ये मैंने 10 इंच का जो रिंग लिया था उसमें हम इसको अटैच करेंगे। तो यहाँ इस तरीके से हम एक इस साइड और एक इस साइड ये दोनों बीच में आएगा। ये देखिए तरीके से हम इस तरह से हमारा ये सीधा आएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे इसको, ये सीधा ये देख के इस तरीके से ये फ्लावर आएगा और इसको हम नीचे से डालकर इस तरीके से पाइपिंग लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से हम पाइपिंग लगा लेंगे चारों का। ये देखिए इस तरीके से हम पाइपिंग लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। तरीके से हम इस साइड भी ये लगा लिया है। फिर यहाँ ये बीच में यहाँ पर इस तरीके से हम इसको भी ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर दो ये सेंटर में मैंने दोनों तरफ ये अटैच कर लिया है। अब हमको चारों तरफ से मैंने यहाँ पर 26 1.5 मीटर के 26 कर्ड कट किए हैं और 26 1.5 मीटर के ये क्रीम कलर के कट किए हैं। अब यहाँ पे अटैच करेंगे हम दोनों साइड से हम अटैच करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हम तरीके से फंसाएंगे और एक एक बार हम पैपिंग कर देंगे इसको इस तरीके से। ये देखिए यहाँ से हम अपने चॉइस अनुसार आप जिस 4 कॉर्ड क्रीम 4 कॉर्ड रेड इस तरीके से आप डाल सकते हैं, या आप 2 कॉर्ड रेड 2 कॉर्ड क्रीम जो भी आपको जिस तरीके से आपको पसंद आए आप डलिया में लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे 4 4 कॉर्ड अटैच कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ मैंने 4 क्रीम कॉर्ड अटैच किए हैं। अब मैं यहाँ पे 4 रेड कॉर्ड अटैच करूँगी। इसी तरीके से हम पूरी तरह इस तरफ भी 26 और इस तरफ भी 26 कॉर्ड अटैच कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर ये देखिए 4 क्रीम और 4 रेड करके मैंने सारे में रिंग में अटैच कर लिया है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं इसको नीचे से बनाने के लिए। हम ये देखिए 4 इस तरीके से लेंगे और सिंपल नॉट लगा लेंगे। ये
ये देखिए, और एक इस साइड से, ये देखिए, इस तरीके से हम नॉट लगाते जाएंगे। ये देखिए, एक इस साइड और एक इस साइड, इसको हम इसी तरीके से पूरी तरफ हम बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। दोनों साइड हम एक एक नॉट लगाएंगे। और फिर हम इस नॉट और जो इस नॉट के बीच के ये जो है, इससे हम एक नॉट बनाएंगे। फिर यहाँ पर भी हम उसी तरीके से टू नॉट बनाकर कंप्लीट करेंगे। हल्के हाथों से यहाँ थोड़ा लूज छोड़ते हुए बनाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम चारों तरफ बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। फिर यहाँ पर ये दोनों के तरफ से ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा लूज छोड़ते हुए हम इस टाइप से बनाएंगे। ये देखिए, और फिर हम एक यहाँ पर इस दोनों इस नॉट के और इस नॉट के बीच से हम फिर एक बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह चारों तरफ हम बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे ये देखिए इस तरीके का टू नॉट लगाते हुए हमने यहाँ पे फोर लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। ये बास्केट का हमने फोर लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब इस पे हम रिंग अटैच करेंगे। रिंग अटैच करने के लिए हम तरीके से रिंग पे पाइपिंग करेंगे। इस तरीके से हम पूरे पे पाइपिंग कर लेंगे। इस तरीके से हम पूरी पे पाइपिंग करके कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, इसको हम पूरी सबसे पाइपिंग कर, ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे रिंग में चारों तरफ से पाइपिंग कर लिया है। अब फिर से हम सेम एक लंबा धागा लेंगे, इसका लंबा कॉर्ड जो है उसको हम लेंगे और फिर उसको हम इस तरह से गोलाई में पाइपिंग करते हुए बनाएंगे। इस तरीके से एक ये लंबा रहेगा, उसी से हम गोलाई में पाइपिंग करेंगे। तरीके से हम पाइपिंग करते जाएंगे। ये देखिए, इसी तरह से हम ये सेकेंड पाइपिंग लगाएंगे। इसी तरीके से हम सेकेंड थर्ड इसी तरह से करते करते हम फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर इससे राउंड में इस यहाँ से इस तरह से सर्कल में बनाते हुए हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए, इस तरीके से ये आते जाता है हमारा। ये देखिए, और ये जो लास्ट होते जाता है छोटा वाला धागा, इसको हम कॉर्ड को हम छोड़ते जाएंगे। इसी तरीके से हम यहाँ से हमने स्टार्टिंग से के कंप्लीट कर लिया है। इसमें बस घुमाते जाना है, पैपिंग करते जाना है। ये देखिए,
ये जो हमारा छोटा पड़ जाता है उसको हम छोड़ देंगे, और ये दूसरे से हम इस तरीके से ये देखिए फ्रेंड्स, सिर्फ इसको हमको यहाँ जिसको हमने यहाँ पे फर्स्ट लाइन से शुरू किया था, एक ये इस तरह का ही धागा कॉर्ड हम रखेंगे, और इसमें ये घट जाता है तो इसको आप जोड़ ले और ये बनाते जाए। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से ये अब हमारा ये लास्ट हो गया है। ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ ऐसे हम देख लेंगे जो कहाँ तक हमारा ये धागा छूटा हुआ है, छोटा छोटा धागा रहता है। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ लास्ट तक करते करते हमारा ये राउंड में आ गया है। अब हम इस सारे धागे कट को कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हम कट कर लेंगे। लाइटर की मदद से हम सारे को इसे स्टिक कर देंगे। ये देखिए अच्छी तरह से हम अब ये देखिए आगे की तरह इस तरीके से डलिया के नीचे जो इस तरह का कॉर्ड है इस सबको हम कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे ये धागे कॉर्ड को कट कर लिया है। अब इसको हम इस तरीके से सारे को से बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा ये बास्केट बनकर कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हम ये देखिए इस तरह के स्टिक अटैच करेंगे, तो स्टिक पे हम ये देखिए तरीके से चिपका लेंगे, और यहाँ से हम हल्के हाथों से इसको तरीके से ये देखिए ये देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ तक कर लेंगे और इसको हम देखिए इस तरीके से हम पटाकर कंप्लीट कर लेंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमने पूरा बनाकर कंप्लीट कर लिया है ये बास्केट के, ये देखिए तरफ से। अब यहाँ पे हम ये इस तरह के स्टिक को हम अटैच करेंगे। अटैच करने के लिए आप ये देखिए यहाँ पर ये जो हमने छोड़े हुए थे इसको एक, ये देखिए इस तरीके से हम डालेंगे, एक को ऊपर से और एक को नीचे से। इस तरीके से हम दोनों साइड से हम इस तरह से बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके का बन के आया है। ये देखिए आप इसमें 3 या 4 स्टिक अपने पसंद अनुसार लगा सकते हैं। ये देखिए तरीके से बन के आया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितना खूबसूरत लग रहा है ये देखिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, टेक केयर।